हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सबको मैं एक छोटी सी अपडेट दूं, जैसे कि आप इस अपडेट की बहुत बेसब्री से आप सबका इंतज़ार हो रहा है। जैसे आप सबको पता है कि आज का दिन जो है सोमवार है और वो है आपका 12 जुलाई। जैसे आप सबको पता है कि क्लास 12th के जो कंपार्टमेंट रिपीटर्स पत्राचार वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के एग्ज़ाम को लेकर अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। बट इसी बीच में मैं एक छोटा सा आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ, और ये न्यूज़ आप जो है मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इस न्यूज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और इस बात को आप खुद से समझ भी सकते हैं कि ये न्यूज़ सही है गलत है जो भी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं और बताते हैं कि सर ये जो आप न्यूज़ बता रहे हैं मतलब यहाँ पर वो फेक न्यूज़ है। तो बट मैं इसी के साथ आप सबको लगातार बताता आ रहा हूँ कि भाई जो भी न्यूज़ मैं आप सबको बता रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं प्रूफ मेरे पास होता है, तभी मैं आप लोगों के लिए जो है ये सारी अपडेट देता हूँ। बाकी मतलब यहाँ पर वैसे मैं दूसरों की बात नहीं करना चाहता कि बाकी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास जो भी न्यूज़ पहुँचे वो एक कहीं ना कहीं वेरीफाइड हो, और कहीं ना कहीं उसको न्यूज़ में कहीं ना कहीं उसका हेडलाइन दिया गया हो, ताकि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, अपने आप देख भी सकते हैं कब का न्यूज़ है, कैसा न्यूज़ है, किस तरह की न्यूज़ है, सब कुछ एवरीथिंग। तो अपडेट ये है, जो सबसे बड़ी अपडेट आप आईएएस पे बात कर लेते हैं, कि आप लोगों के जो सीबीएसई के प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं, उन सब का जो डिसीज़न है, जो रिजल्ट है, जो फैसला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, जो मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और ये न्यूज़ जो है वेरीफाई किया गया है, वो सीबीएसई के द्वारा सीबीएसई ऑफिस में पूछा गया था कि कब तक आएंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इस पे दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। दिशा निर्देश का मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट मैं फिर भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन आप अपनी कंटिन्यू करते रहो, डिसीजन जो भी आता है जैसा भी आता हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की जो रिव्यू पिटीशन है वो कहीं एक्सेप्ट हो जाए, उस पर जो है हियरिंग चालू हो जाए। बट ये जो भी सारी अपडेट हैं, जब तक कहीं ना कहीं ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाती, किसी न्यूज़पेपर में नहीं आ जाता, जब तक इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तब तक हमें इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो तब तक हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो भी अपडेट होगी वो अपडेट आप सबको बता दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो अपडेट मैं आप सबको यहाँ पर देता रहूँगा। और ये अपडेट जो भी मैं आप दे रहा हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट करने पे ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि आप तक सारी जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, वो पहुँच जाए। और आपके एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट इसलिए किया जा रहा है, सबको पता है कि COVID-19 का जो थर्ड वेव है डेल्टा प्लस, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस कम भी हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस अभी भी दोबारा से जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पक्ष में डिसीजन ले लिया जाए, बट जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती है तब तक हमें अपने जो है इसको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बने रहिए चैनल पर।